हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। रिलायंस सोनी डिजिटल मार्केटर। आज के फेसबुक एड्स कोर्स में हम बात करने वाले हैं लेसन 7 में कि कैसे हम एक फेसबुक बिजनेस पेज को एडवांस सेटिंग का यूज करके आसानी से एक अच्छा सा पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेसन 6 में बताया था कि हम कैसे एक फेसबुक बिजनेस पेज बना सकते हैं, तो फर्स्टली आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक सही तरीके से फेसबुक बिजनेस पेज का हम एडवांस सेटिंग का यूज करके आसानी से लोगों तक अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने विचार या अपने थॉट को शेयर कर सकते हो और अपना बिजनेस को पूरी दुनिया में इजीली तरीके से आप प्रमोट करके एडवर्टाइजिंग करके यूज कर सकते हो। इसके और भी कई फायदे होते हैं, जिससे कि आप सोशल साइट पर लोगों से अपनी कनेक्टिविटी बनाकर अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में एक बिजनेस पेज के थ्रू बता सकते हो। तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं आज कुछ की पॉइंट्स है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक साइन अप करके बिजनेस पेज तक पहुंच सकते हैं। फिर हम पिक्चर सेट करेंगे, जैसे कुछ पिक्चर से कई बार क्या होती है, जब अपलोड करते हैं तो सही नेट कनेक्टिविटी होने के कारण अपलोड नहीं हो पाती, तो हम उसके बारे में भी समझेंगे और सही तरीके से सही पिक्चर का यूज करके एक अच्छी तरीके से कवर पेज अपनी प्रोफाइल पेज पे सही पिक्चर का यूज करेंगे। इसी तरीके से हम स्टेप 3 का यूज करेंगे, जिसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को व्हाट्सएप बिजनेस से, ताकि आसानी से लोग आपके व्हाट्सएप के ऑडियंस भी और आपके फेसबुक के ऑडियंस भी एक व्हाट्सएप सही प्लेटफॉर्म पे आपके पास आ जाए। इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो अपने यूजर नेम को, और साथ ही साथ आप कर सकते हो बिजनेस डिटेल, जो भी डिटेल पूछी जाती है। इसी तरीके से और भी बहुत सी डिटेल्स होती है आपके एक फेसबुक बिजनेस पेज में, जो आपको प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट करना होता है, तभी आपका एक सही तरीके से सेटअप होता है आपका एक बिजनेस पेज। और इसी तरीके से लास्ट में आप क्रिएट कर सकते हो अपने फर्स्ट पोस्ट को भी और सही तरीके से इन्वाइट कर सकते हो अपने ऑडियंस को। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं, अपने चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे हम आ गए डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं अपना फेसबुक। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे फेसबुक, और हमारी ऑलरेडी यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन है, तो ऑलरेडी तरीके से हम जैसे फेसबुक ओपन करेंगे वो आसानी से ओपन हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिक तरीके से फेसबुक यहाँ पे कैचअप कर लेता है। आपकी जो भी साइट्स आपकी खुली रहती है आपको आसानी से बता देती है, अगर नहीं भी खुली हो तो आप एक यूजर नेम और अपने पासवर्ड के साथ में आसानी से लॉग इन कर सकते हो। जैसे हम आ गए अपनी वही पुरानी प्रोफाइल पे सिमाली के नाम से, जो हमने अपने इस लेसन में बनाई है, और इसी तरीके से हमें बहुत सी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो हमारे यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है, हमने अपना जो फेसबुक बिजनेस पेज बनाया है, इसमें आप आसानी से इधर से भी जा सकते हो, और इसी तरीके से हमारे पेजेस जो है हर जगह बता रहा है। तो हमें डायरेक्टली जाना है हमारे शॉर्टकट में, यहाँ पे नीचे जो स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे दो पेजेस आ रहे हैं, एक डिजिटल एजेंसी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ रहा है। तो हमने जो कल हमने लेसन 6 में बनाया था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसी पेज पर हम जाएंगे। और जैसे हम यहाँ इस पेज पर जाते हैं तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार का शो होता है, और जैसे हम इस पेज में देखते हैं तो हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसके हम यहाँ पे ऐड ए बटन बोलने को बोल रहा है कि आप कैसे अपनी बटन को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी बटन जो है आप एक्शन बटन का यूज कर सकते हो। जैसे जब भी कोई आपके बिजनेस पेज पर आता है तो वहां पे अगर आपकी वेबसाइट है तो फॉलो कर सकता है, आपकी वेबसाइट से जान सकता है, लर्न मोर कर सकता है। इसी तरीके से अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर डालते हो तो आप कॉल नाउ कर सकते हो, आप कॉन्टेक्ट अस कर सकते हैं, सेंड मैसेज, या फिर आप व्हाट्सअप बटन डालते हो तो आसानी से लोग आपके व्हाट्सअप पे ही मैसेजिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ईमेल आईडी का भी यूज कर सकते हो। ऐसी बहुत सी बटन होती है साइन अप से लेकर यूज ऐप से। अगर आपका खुद का पर्सनली ऐप है तो अपने ऐप की लिंक भी डाल सकते हो, ताकि लोग एक सही ऑडियंस आपके ऐप पर पहुंच सके। इसी तरीके से और भी वॉच वीडियो से लेके शॉप ऑन वेबसाइट, ये सभी बटन्स का यूज कर सकते हो आप एक्शन बटन के लिए। अब इसी तरीके से हम चलते हैं नीचे स्क्रॉल, तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि आपको अपने पेज को सेटअप करना पड़ेगा, सही एक सक्सेसफुल पेज बनाना है। तो आप जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने यहाँ तक सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करी थी लेसन 6 में, अब यहाँ पे हम आपको 13 स्टेप जो है पूरी कम्प्लीटली करने वाले हैं। तो हम आपको पहले ये बताए थे कि जब भी हम पोस्ट वगैरह डालते हैं तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलने लगती है। तो जैसे कि हम आप यहाँ पे फर्स्टली शुरुआत करने वाले हैं कि हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फर्स्टली हमारा स्टेप जो बोल रहा है वो बची हुई है, वो है हमारे पेज की आइडेंटिफाई को करना कम्प्लीटली। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रोफाइल पिक्चर जो है यहाँ पे अधूरा है, जैसे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो लेसन 6 में अपलोड करी थी वो सही तरीके से नेटवर्क कनेक्टिविटी होने के कारण नहीं हो पाई। अब हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अगर यहीं से भी हम कर सकते हैं तो एडिट करेंगे, और हमारे अगर इधर पे नहीं है तो हम यहाँ पे अपने सिस्टम में से प्रोफाइल को अपलोड करेंगे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है। और जब भी आपको ध्यान रखना है कि आप एक बिजनेस प्रोफाइल पेज बनाए तो आपकी पोस्ट और आपकी प्रोफाइल पिक्चर हमेशा रेडी हो, ताकि आप इजीली तरीके से सही तरीके से कनेक्टिविटी बना सकते हो। आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो आपके लोगों के हिसाब से, ताकि सही तरीके से प्रोफाइल पिक्चर्स लोगों तक दिख सके। और जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस हो रही है,
तो देखा हमने कि हमारे किस तरह से हमने प्रोफाइल को अपडेट कर दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का पेज जो है बिजनेस पेज क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे बता रहा है हमने 5 स्टेप फॉलो कर लिए, वही 13 स्टेप जो है कम्प्लीटेड करने हैं। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है पेज आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे करेक्ट साइन लग चुका है कि हमने पेज नेम क्रिएट कर लिया है, कैटेगरी क्रिएट कर ली है, हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स क्रिएट कर लिए, इस तरह से कवर फोटो से लेकर डिस्क्रिप्शन भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम चलते हैं 6 स्टेप में, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने इन्फो को लिखना है। तो हम अपना अगर हमारा खुद की वेबसाइट है तो हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरीके हम अपनी लोकेशन इन्फो कर सकते हैं। अगर हमें अपनी लोकेशन अपनी बिजनेस की लोकेशन लोगों तक बतानी है तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस लिख सकते हैं, हम सिटी के थ्रू भी बता सकते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं भोपाल मध्य प्रदेश। तो हम जैसे करेंगे सर्चिंग कर लेगा और आपको सही तरीके से बता देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस पेज पे कोई भी लोकेशन नहीं हो तो आप इस पर क्लिक करके माई पेज डज नॉट हैव अ लोकेशन, यानी कि मेरे पेज पे कोई भी लोकेशन नहीं चाहिए मेरी खुद की, तो आप हटा सकते हो। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस पेज को बना के एक सही लोकेशन का यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे सिटी लिख देते हैं जैसे कि हमने लिखा था भोपाल, और हम यहाँ लिख देते हैं एमपी नगर। और हम अपना पोस्ट कोड भी डाल सकते हैं ताकि आसानी से लोग वहां बता सकें। इसी तरीके से हम बहुत सी इसमें कनेक्टिविटी लगा सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि हमारी लोकेशन सर्व नहीं होता, हम यहाँ से ऑफ कर सकते हो। बट आपको भी सही तरीके से बिजनेस पेज बनाना है तो अपनी एक लोकेशन भी इसमें जरूर क्रिएट करें। अब इसी तरीके से हम अपना बिजनेस आवर्स में हम लिख सकते हैं हमारे बिजनेस आवर्स कितने कितने बजे तक ओपन हो जाए। हम ऑलवेज ओपन भी कर सकते हैं, परमानेंटली क्लोज भी कर सकते हैं। हम ड्यूरिंग अगर चाहते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन टाइम है, हमारा बिजनेस पेज का टाइम जो है उसी के हिसाब से इसमें ओपनिंग हो, तो हम इधर से और भी डेट टाइमिंग को उसमें डाल सकते हैं। बट हम यहाँ पे ऑलवेज ओपन कर देते हैं ताकि हम अपनी सर्विसेज जो है 24/7 देना चाहते हैं। अब इसी तरीके से हमने हमारे इस फोन नंबर से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ऑलरेडी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाला है तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी अपना डाल सकते हैं। उस तरह से आप लोकेशन का भी यूज कर सकते हो कि हमारे इंडिया में कौन सा 991 चलता है, इसी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। फिर से हम इसमें नंबर डाल देते हैं। जैसे हम वापस इधर देखते हैं कि हमारा सेट पेज अब जो है सक्सेस का वो हमारा 8 हो चुका है। और भी थोड़ी सी जो है 13 प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉलो करना है। प्रोवाइड कर सकते हैं हम इन्फो बेस्ड साइट, अगर हमारी वेबसाइट है तो उसके आप वेबसाइट लिंक यहाँ पे यूआरएल लगा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ऑटोमेटिकली तरीके से वो चेंजेस हो जाएगा। अब इस तरह से हम प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप लिंक अकाउंट को, बट ऑलरेडी हमारा नंबर जो है ऑलरेडी व्हाट्सएप पे है तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आपका खुद का पर्सनल नंबर है तो आप इजीली तरीके से यहाँ पे कम्प्लीटली कर सकते हो प्रोसेस को। अब इसके बाद हमें एक्शन बटन को चूज करना है, जिसे हमने फर्स्टली आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी हम प्रोफाइल ओपन करते हैं अपनी बिजनेस प्रोफाइल तो फर्स्टली यहाँ पे दिखाई देता है एड अ बटन। आप यहाँ से भी जाके इसमें क्लिक करके इसमें कम्प्लीटली एडिटिंग कर सकते हो या यहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो। तो हम कर देते हैं कॉल नाउ। कॉल नाउ के लिए हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा कि हमें कौन सा कॉन्टेक्ट नंबर देना है जिससे कि लोग आसानी से हमारी बिजनेस पेज में कनेक्टिविटी बना के लिए व्हाट्सएप नंबर का यूज कर सके। कनेक्ट कॉन्टेक्ट करने के लिए एक ऐसा नंबर का यूज करें ताकि लोग जब भी आपसे बात करना चाहें तो आप इजीली तरीके से उन्हें सही सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओ। जैसे कि हम कॉल नाउ के लिए हम जब भी करते हैं बटन का यूज तो हमारे यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी सॉप करना पड़ता है। तो हमने जैसे यहाँ पे डाल दिया है, हमें वैलिड बता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी आसान से हो गई है। जैसे कि लोगों से इन्फो नहीं लिया है, उसने सही तरीके से इंट्रोड्यूस करना हमारे पेजेस के बारे में, तो हम इन्वाइट कर सकते हैं 10 मोर पीपल्स फ्रेंड्स को ताकि हम जब भी उन्हें फॉलो करें तो हम देख सकते हैं। और भी हम ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं 7 फिनिश लेटर का, या स्कीप कर सकते हैं मैकेज कम्प्लीट बनाने के लिए। तो हम कुछ प्रोसेस जो है कम्प्लीट करने के लिए भी यहाँ पे स्कीप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी पूरी प्रोफाइल कहीं ना कहीं तरीके से पूरी कम्प्लीटली यहाँ पे सक्सेस हो गई है। कुछ एक दो रह गई है जिसको हम पूरी तरीके से कम्प्लीटली कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया है लिंक व्हाट्सएप को, अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं करना है तो हम इसे नहीं कर रहे हैं, अपने पेज पर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। इसी तरीके से हम एक्शन बटन का यूज कर सकते हैं जिसे हमने आपको बताया था। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कॉल नाउ का या फिर कॉन्टेक्ट अस कर देते हैं। कॉन्टेक्ट अस में हमें वेबसाइट डालनी पड़ेगी। अगर हम कॉल नाउ करें या फिर सेंड मैसेज करें तो हमें भी उस प्रकार की कॉन्टेक्ट या फिर हमें उस प्रकार की लिंक डालनी पड़ेगी। आप चैटिंग ऑप्शन का भी इसमें यूज कर सकते हो।
आई होप कि आपको पूरी तरीके से पेज सेटअप करना समझ में आ रहा होगा। और जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पूरी तरीके से एक पेज बन गया है, क्रिएट कर चुके हैं हम, यहाँ पे एडिट कर चुके हैं, हमने अपनी चैन मैसेज की बटन यहाँ पे बना दी है। हम इसी तरीके से अपने बिजनेस पेज को प्रमोट कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको कुछ फॉलोवर्स जो है अपने बढ़ाने पड़ेंगे, उन्हें सही तरीके से एक मार्केटिंग करके या फिर अपने जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है आप उधर उन्हें बता सकते हो आपके बिजनेस पेज के बारे में, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, ताकि लोग ऑफलाइन के तरह आपसे ऑनलाइन भी कनेक्टिविटी बना सके, जिससे कि आपका ऑफलाइन बिजनेस भी वो ऑनलाइन तरीके से भी एक सही प्लेटफॉर्म पे फॉलो हो जाए। तो हमने इस तरह से कम्प्लीटली फेसबुक बिजनेस पेज बना लिया। अब हमारी फेसबुक पेज जो है एक एडवर्टाइजिंग के लिए रेडी हो गई है। हम आने वाले चैलेंज में हम जानेंगे कैसे हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजों का यूज करके आप इफेक्टिव वे में अपने बिजनेस पेज को सही तरीके से लोगों तक, ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप पेड मार्केटिंग ना करके, पेड मार्केटिंग उन्हें कहते हैं जिनका आप एडवर्टाइजिंग करते हो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम से, तो आप उन्हें पेड मार्केटिंग बोलते हो। और अगर हम ऑर्गेनिक रीच की बात करें तो ऑर्गेनिक रीच यहाँ पे आपके खुद के ऑडियंस होते हैं, खुद के फॉलोअर्स होते हैं, तो आप उनकी हेल्प से आसानी से ऑर्गेनिक रीच बना के और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हो अपने बिजनेस पेज के थ्रू। आई होप कि आपको पूरी तरीके से एडवांस बिजनेस पेज की सेटिंग के बारे में समझ में आया होगा। आई होप कि आपने पूरी अच्छी तरीके से सीखा होगा। आप इसको एक बार जरूर ट्रायल करिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जो आप करते हो वही आप इजीली अच्छी तरीके से सीखते हो। विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच।